हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष दत्ता नहीं आ गया हूँ अपने चैनल में मार्केट एनालिसिस लेके। तो आज हम बात करेंगे मार्केट में क्या हुआ, आज कैसे मार्केट ने बिहेव किया और कल का क्या सेंटिमेंट लग रहा है। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि ऑप्शन चेन के अंदर इन द मनी कॉल्स में हुआ एक काफ़ी तगड़ा बिल्ड हुआ था। तो जो फ्राइडे को हमें बाउंस मिला था वो सस्टेन होने का चांसेस बहुत ही कम था, बट अगर वो सस्टेन कर जाता तो एक लंबी शॉर्ट कवरिंग आती जो शायद बैंक निफ्टी को 500 से 1000 पॉइंट ऊपर लेके चली जाती, निफ्टी को भी 200-250 पॉइंट ऊपर लेके चली जाती, बहुत लंबी शॉर्ट कवरिंग आती। बट वो शॉर्ट कवरिंग कब आती, जब हम फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करते। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने की ज़रूरत है हम सबको, कि हमें ऐसा लगता है कि हम लोग रोज़ ट्रेड कर सकते हैं, कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, पैसा बन जाएगा। नहीं, मार्केट वेट करने का पैसा देता है, मार्केट सेटअप समझने का पैसा देता है। तो देखिए, शॉर्ट कवरिंग कब आता है, जब मार्केट ऊपर जाने के लिए चालू हो जाता है तब शॉर्ट कवरिंग आता है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कब आता है, जब मार्केट नीचे की ओर चालू होता है। तो आप समझिए, अगर मैंने एग्जांपल, अगर मैंने निफ्टी 14,800 पे शॉर्ट किया है और अगर निफ्टी 15,000 पे गैप अप ओपन होता है या 15,000 पहुंच जाता है, तो मैं अपना सौदा लॉस में काट के चला जाऊंगा। तो मैंने 14,800 पे शॉर्ट किया है तो मैं 15,000 पे क्या करूंगा, बाई बैक करूंगा। तो जैसे मैं बाई करता हूँ, डिमांड क्रिएट होती है और वो डिमांड निफ्टी को थोड़ा और ऊपर लेके चली जाती है। तो वैसे मेरे जैसे हज़ारों शॉर्टर्स 15,000 क्रॉस होने पे बाई करते हैं, तो उसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, वो ऊपर की तरफ लेके जाती है। अब शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, जैसे समझो फ्राइडे को किसी ने शॉर्ट किया है 34,000 पे, या किसी ने शॉर्ट किया है 3:25 को, 4,100 के आसपास किसी ने शॉर्ट किया, तो वो लॉस में कब जाएगा, जब मार्केट फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करेगा या हाई के ऊपर जाएगा, तभी वो लॉस में रहेगा। अगर वो फ्राइडे उसके हाई के ऊपर नहीं जाता है तो शॉर्टर्स लॉस में नहीं है, तो वो अपने शॉर्ट कवर क्यों करेंगे, मार्केट क्यों ऊपर जाएगा। आप ये लॉजिकल सोचिए, हम सब क्या करते हैं, चार्ट लेके बैठ जाते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे लाइन बनाते रहते हैं, इंडिकेटर्स डालते रहते हैं, बट नहीं, वो करिए। अगर आपको वो सेटअप अच्छा लगता है करिए, बट दिमाग भी लगाइए साथ साथ। तो शॉर्ट कवरिंग का चांसेस, जब हम कोई बेंचमार्क हाई को क्रॉस करते हैं, जब कोई रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तभी शॉर्ट कवरिंग आता है, जब भी कोई सपोर्ट को क्रॉस करते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग आता है। ठीक है, क्लियर है। तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। फ्राइडे जो लोग BTST करके गए थे, पहला तो मार्केट इतना गिरा क्यों, स्पेशली बैंक निफ्टी इतना क्यों गिरा, कल सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट भी आने वाला है तो उसका भी प्रेशर फील हो रहा था बैंक निफ्टी के ऊपर। सेकंड हाफ से थोड़ा साइडवेज चला गया, बट फर्स्ट हाफ में थोड़ा प्रेशर भी फील हो रहा था बैंक निफ्टी पे। दूसरा, जो लोग BTST किया था, जो लोग फ्राइडे बैंक निफ्टी निफ्टी को लॉन्ग करके गए थे, वो ओपन होने के साथ जैसे ही फॉल चालू हुआ वो लोग ने अपना सेलिंग चालू किया, सेलिंग प्रेशर बढ़ गया, उसकी वजह से इंडेक्स और नीचे चला गया। और आप लाइव मार्केट को भी समझिए, लाइव मार्केट में OI पैटर्न्स को भी समझिए, जब मार्केट नीचे जा रहा था कॉल्स के अंदर, आउट ऑफ द मनी कॉल्स के अंदर OI इंक्रीज हो रहा था। तो जब निफ्टी, आपको लगेगा कि निफ्टी आज फ्लैट क्लोज हुआ है, फ्लैट क्लोज हुआ सही बात है, बट फ्लैट क्लोजिंग के साथ आपको समझना है कि पैटर्न क्या बना है उसने। तो 14,700 कॉल और पुट दोनों पे ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है, कॉल के ऊपर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, पुट के ऊपर कम हुआ है। इसका मतलब देयर इज स्टिल सेलिंग प्रेशर लेफ्ट इन निफ्टी। अगर निफ्टी 14,800 के ऊपर सस्टेन करता है
तो 14,800 के कॉल सेलर्स अपना कवर करेंगे, वो जान बचाने के लिए भागेंगे। वो भागते हैं, निफ्टी थोड़ा और ऊपर जाता है 14,900, वो क्रॉस करता है तो 15,000 क्रॉस करता है तो एक लंबी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो शायद और 200-300 पॉइंट ऊपर लेके चली जाए। तो ये वीक की जो निफ्टी की रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है 15,200 से 14,500 के बीच में। आप बताएंगे एक्सपायरी को 3 दिन बाकी है, मैं समझ सकता हूँ एक्सपायरी को 3 दिन बाकी है, पर जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है वो लंबी आती है। तो एक पॉसिबिलिटी है शॉर्ट कवरिंग की, एक या दो दिन में शायद आ सकती है, अलर्ट रहिए। बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग कब आएगी, जब वो 34,150 के अराउंड सस्टेन करता है। तो अगर वो उसके ऊपर सस्टेन कर गया तो बैंक निफ्टी में भी 600-700 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आराम से आ सकती है। आप जानते हैं बैंक निफ्टी बहुत तूफानी इंडेक्स है, भागता है तो भागता रहता है। तो जैसे कि फ्राइडे को हमें लगा था कि मंडे का फॉल सस्टेन नहीं करेगा, वैसे आज का OI इंडिकेट कर रहा है कि देर इज चांस ऑफ शॉर्ट कवरिंग मे बी टुमोरो और वेनसडे, एक शॉर्ट कवरिंग का चांस लग रहा है। बट आपको वो भी समझना है कि अगर वो ऊपर जाता है और सस्टेन नहीं करता है तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है कॉल सेलर्स को। आप उसको समझिए, आपको ये स्विंग में दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि नीचे के साइड पे पुट में भी काफ़ी अच्छा OI एडिशन हुआ है 14,1500 पे, और बैंक निफ्टी में 33,000 पे भी बहुत अच्छा OI एडिशन हुआ है। तो हर एक फॉल बाय होने वाला है, हर एक फॉल पे बाय ऑन डिप्स होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, मे बी कल या वेनसडे, लेट्स सी। मैं भगवान नहीं हूँ, गलत जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है उसके ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है उस पर एनालिसिस करता हूँ। आप भी सीखिए, समझिए और ट्रेड करिए। स्टे सेफ, गुड बाय।